नमस्ते दोस्तों, इंजेक्शन अल्ब्यूमिन ये एक ऐसा ड्रग है जो बहुत महंगा है और बहुत बार डॉक्टर लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि ये जो ड्रग है ये पेशेंट को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये ड्रग लगाने के बाद पेशेंट को सही में कुछ फ़ायदा होने वाला है या नहीं। तो दोस्तों, ये सब जो क्वेश्चंस है ये सब का आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। इंजेक्शन अल्ब्यूमिन जो है उसे कब कब यूज़ करते हैं, ये जो ड्रग है उसके यूज़ करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिए और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंजेक्शन अल्ब्यूमिन जो है, मतलब अल्ब्यूमिन जो है, ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है। हमारे जो प्लाज्मा है उसमें जो प्रोटीन्स रहते हैं, वो प्रोटीन्स का जो मेन पार्ट है वो अल्ब्यूमिन से ही बनता है। तो ये जो अल्ब्यूमिन है ये काम क्या करता है, तो इसका जो मेन काम है कि इट मेंटेन्स द प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करने से क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल है उसमें जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बना रहता है और ये ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करने का जो काम है वो अल्ब्यूमिन करता है। इसके साथ ही अल्ब्यूमिन कुछ और दूसरे काम भी करता है, जैसे बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हॉर्मोन्स हो गए, कुछ ड्रग्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, इनको ट्रांसपोर्ट करने का, कैरी करने का काम भी अल्ब्यूमिन करता है। तो ये जो इंजेक्शन है वो हमें कौन से फॉर्म में अवेलेबल रहता है। दोस्तों, ये जो ड्रग है ये हमें इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल रहता है और ये हमें 100 ml या 500 ml की बोतल में मिलता है। और ये जो ड्रग है ये हमें दो कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादातर अवेलेबल रहता है, एक रहता है 5% और एक रहता है 25%। तो दोस्तों, जो 5% का जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर में हमें मिलता है 50 ग्राम्स ऑफ अल्ब्यूमिन और 100 ml की बोतल में मिलता है 5 ग्राम्स ऑफ अल्ब्यूमिन। उसी प्रकार जो 25% सॉल्यूशन है वो 1 लीटर में मिलता है 250 ग्राम्स ऑफ अल्ब्यूमिन और 100 ml में मिलता है 25 ग्राम्स ऑफ अल्ब्यूमिन। और साथ में ही जो 5% सॉल्यूशन जो है उसमें सोडियम भी रहता है अराउंड 130 टू 160 मिलीक्वेलेंट्स। दोस्तों, अब ये जो दो सॉल्यूशन है इसकी फार्मेकोलॉजी क्या है ये हम समझते हैं। तो 5% जो सॉल्यूशन है वो कितना कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर तैयार करता है, वो है 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। और 25% सॉल्यूशन जो है वो करता है 70 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। अब ये जो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये ड्रग डेवलप करता है उससे क्या होता है कि जब हम ये पेशेंट को देते हैं तो वॉल्यूम एक्सपांशन कितना रहता है, मतलब जितना ml हम 5% का देंगे उतना ही उसका जो प्लाज्मा है उतने से ही बढ़ेगा। मतलब हमने 100 ml 5% दिया तो उसका जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो 100 ml से बढ़ेगा। लेकिन जो 25% सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम एक्सपांशन है वो रहता है 4 to 5 times। मतलब अगर हमने 25% सॉल्यूशन 100 ml का दिया तो उसका जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो 5 times, मतलब अराउंड 500 ml से बढ़ सकता है। तो ये जो ड्रग हम देते हैं, तो ये जो ड्रग है ये देने का रेट क्या है, जब हम 5% सॉल्यूशन देते हैं तो उसका जो रेट है वो होना चाहिए 5 to 10 ml पर मिनट, और 25% सॉल्यूशन का ड्रग हम देंगे तो उसका रेट होना चाहिए 1 to 2 ml पर मिनट। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या है। तो पहला इसका जो यूज़ है वो है इन हाइपोवॉल्यूमिया। कोई भी कारण से जब प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, जैसे ट्रॉमा में या फिर सेप्सिस में, तब हम अल्ब्यूमिन यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो डोज है हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन में हम 5% वाला सॉल्यूशन यूज़ करते हैं और उसका जो डोज है वो है 500 ml ऑफ 5% सॉल्यूशन। और हाइपोवॉल्यूमिया करेक्ट होने तक हम ये दे सकते हैं, और अगर एक 500 ml के इन्फ्यूजन से अगर वॉल्यूम इम्प्रूव नहीं हुआ तो 30 मिनट के बाद हम ये जो डोज है वो रिपीट कर सकते हैं। दूसरा इसका जो यूज़ है कि आफ्टर असाइटिक टैपिंग इन सिरोसिस ऑफ लीवर। मतलब जब भी हम असाइटिक फ्लूइड को टैप करते हैं उसके बाद जो वॉल्यूम है वो मेंटेन करने के लिए, या पेशेंट को हाइपोटेंशन नहीं होना चाहिए उसके लिए, फिर हम ये जो ड्रग है उसका यूज़ करते हैं। और उसका जो डोज है कि 5 to 10 ग्राम एवरी लीटर ऑफ फ्लूइड टैप। मतलब जितना लीटर हम फ्लूइड निकालेंगे उसके हिसाब से हम ये जो ड्रग है वो दे सकते हैं। मतलब 1 लीटर फ्लूइड के लिए हमें 5 से 10 ग्राम ऑफ अल्ब्यूमिन देना रहता है।
और बाकी इसके जो यूजेस है वो है इन करेक्टिंग हाइपोप्रोटीनेमिया इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, माल न्यूट्रिशन और बर्न्स। मतलब ऐसी जो कंडीशंस है जहाँ पे हाइपोप्रोटीनेमिया और ख़ासकर हाइपोअल्ब्यूमिनेमिया हुआ है, वहाँ पे भी हम ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। चौथा इसका जो यूज़ है वो है एज अ प्राइमिंग फ्लूइड इन कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। जब भी पेशेंट का कार्डियक बाईपास सर्जरी होता है तो जो हार्ट लंग मशीन रहती है वो जो मशीन रहती है उसका प्राइमिंग करने के लिए ये फ्लूइड का यूज़ होता है। और आखिरी इसका जो यूज़ है एज एन एक्सचेंज फ्लूइड इन प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस में हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट का जो प्लाज्मा है वो निकालते हैं और फिर उसे रिप्लेस करने के लिए हम ये जो अल्ब्यूमिन है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो ड्रग है इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या है? इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स है नौशिया, वोमिटिंग, और क्योंकि ये जो ड्रग है ये ह्यूमन अल्ब्यूमिन से बनाया जाता है, बहुत सारे लोगों का जो प्लाज्मा है वो जमा करके फिर ये जो ड्रग है बनाया जाता है, तो इसमें जो है फॉरेन प्रोटीन रहने के कारण एलर्जी भी हो सकती है। तो एलर्जी मतलब क्या होगा, पेशेंट को फीवर आ सकता है या फिर कभी कभी एनाफिलेक्टिक शॉक भी हो सकता है। और ये जो ड्रग है इसके कारण वॉल्यूम ओवरलोड भी होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है, ये जो ड्रग है ये कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है जिसके कारण फिर वॉल्यूम एक्सपांशन होता है और इसके कारण जो पेशेंट है वीर पल्मोनरी एडिमा में जा सकता है। तो ये खासकर कब होता है, जब पेशेंट एनीमिक है या फिर पेशेंट हार्ट फेल्यूर का है, वहाँ पर ये वॉल्यूम ओवरलोड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, अब ये जो ड्रग हम यूज़ करते हैं, ये ड्रग को यूज़ करते वक्त हमें कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। जैसे ये जो ड्रग है इसका जो स्टोरेज है ये 2-8 डिग्री पे ये जो ड्रग है इसे स्टोर करना चाहिए और ख़ासकर इसे डीप फ्रीज़र में नहीं रखना चाहिए, ये कोएगुलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रग है ये अगर जम गया या कोएगुलेट हो गया तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा नहीं आता है। दूसरा, ये जो ड्रग हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो ड्रग है इसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है क्योंकि ये प्रोटीन है, इसलिए 4 घंटे से ज़्यादा अगर हो गए तो हमें ये जो ड्रग है वो डिस्कार्ड करना पड़ता है। और ये जो ड्रग है ये हमें स्लोली देना चाहिए, खासकर जिनका जो हार्ट है वो बहुत वीक है उसमें ये जो ड्रग है ये हमें स्लोली देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फिर वॉल्यूम ओवरलोड होकर पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। और जब भी ये फ्लूइड हम डिहाइड्रेशन में यूज़ करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो डिहाइड्रेशन है वो हमें पहले नॉर्मल सलाइन या डेक्स्ट्रोस 5% देके उसे इम्प्रूव करना है और उसके बाद ही वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए हम ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये ड्रग हमने ऐसे ही यूज़ कर लिया तो ये जो ड्रग है ये सारा का सारा जो इंट्रासेलुलर वाटर है वो वास्कुलर कंपार्टमेंट में खींच लेगा और पेशेंट और डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको आज के वीडियो से कुछ अच्छा नॉलेज मिला है, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।